अस्सलाम वालेकुम फैमिली फ़िटनेस हेल्थ टिप्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज बड़ी ही कमाल की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको शेखुल हिकमत का नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिन्होंने हिकमत में अपना लोहा जमाया, अपना नाम बनाया, हिकमत को अपने अंदर समाया और इस नुस्खे को अपने अंदर से निकाला। ऐसा नुस्खा जो कि इंतहाई आसान और आपकी ज़िंदगियों को बदल देने वाला है। एक चीज़ बताऊंगी, इसको खाकर पांव पर खड़े खड़े अगर एक बंदा मुतमईन ना हो, बेशक आप हमारे चैनल पर दोबारा ना आइएगा। मुझे शेखुल हिकमत के इस नुस्खे पर पूरा यकीन है। बहुत ही कमाल की चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटेड वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें और मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने लेनी है अजवा खजूर। जैसा कि आप जानते हैं कि खजूर के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, जो कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हिकमत के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही ज़्यादा इससे नुस्खा जात तैयार होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाली और गर्म होती है, तो ये आपको आसानी के साथ किसी भी पुरानी दुकान से मिल जाएगी। आपने अच्छी नस्ल की अजवा खजूर लेनी है। अजवा खजूर सब खजूरों से आला नस्ल की है और इसको खाना भी सुन्नत है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए शहद। एक अजवाए खजूर को आपने शहद के अंदर डालकर भर के शहद के साथ आपने खा लेना है, लेकिन ये याद रखें कि खाना खाने से पहले आपने इसको खाना है। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 20-20 साल भी हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया है, पानी को नालियों में बहाते रहे हो, तो 7 दिन की मेहनत कर लो यार, पूरी ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। इस कदर ये नुस्खा आपको ताकत देगा कि आप मरने के बाद भी मुझे दुआओं में अपनी याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।